Hey guys, good morning and welcome back to another new video. In this video, I'm going to talking about which subjects you need to clear to become a pilot. So we all know कि pilot बनने के लिए DGCA के exams clear करने पड़ते हैं, but DGCA के exams के अंदर कौन से subjects आते हैं और उन subjects को हम इस video के अंदर ना details में देखेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है और वो कितने hard होते हैं, उसका level क्या होता है. So without wasting time, इस video की हम लोग शुरुआत करते हैं. So first of all, DGCA के अंदर ना 5 subjects आते हैं. मेट्रोलॉजी, रेगुलेशन, नेविगेशन, टेक्निकल जनरल एंड टेक्निकल स्पेसिफिक. RTR का एग्जाम भी देना होता है लेकिन वो DGCA के अंडर नहीं आता. आई थिंक 2-3 साल में वो DGCA के अंदर आ भी जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है. बट हम लोग आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मेट्रोलॉजी से शुरुआत करते हैं कि मेट्रोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना पड़ता है और मेट्रोलॉजी एक्चुअली होता क्या. सो आई क्लियर मेट्रोलॉजी एग्जाम, आई गॉट 74 इन फर्स्ट अटैम्प. पहली बार भी मैंने निकाल दी थी मेट्रोलॉजी के एग्जाम. सो मेट्रोलॉजी के अंदर ना हम लोग वेदर के बारे में पढ़ते हैं. वेदर बोले तो क्लाउड्स, विंड्स. सो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन से क्लाउड्स होते हैं. क्लाउड्स के बहुत सारे नाम्स होते हैं, स्टेटस क्लाउड, सीबी क्लाउड, एनबी क्लाउड, बहुत सारे क्लाउड होते हैं. विंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैनाबेटिक, एटाबेटिक विंड्स क्या होते हैं. हम मैटार पढ़ते हैं, जो मेरे को ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है ना इसका, मेट्रोलॉजी का, तो मेरे को मैटार लगता है. मैटार बोले तो जो पायलट्स फ्लाई से पहले जो एक लाइन लिखी होती है तो ऐसी उसको पढ़ते हैं. अगर आपने रनवे 34 मूवी देखी होगी तो उसके अंदर वो पढ़ता है और फिर वो पेपर रख देता है और फिर वो बोल जाता है पूरा मैटर. सो बेसिकली इसको ही हम लोग मैटर बोलते हैं. यहाँ पे मैं लाइन दे दूंगा कि एक्चुअली वो लाइन कैसी होती है. मेरे को वो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, मैटार, टेफ्स, पैसी, वो सब लोग आप आके पढ़ोगे. लेकिन इन शॉर्ट के हम मेट्रोलॉजी के अंदर ना वेदर के बारे में पढ़ते हैं. जो भी वेदर होता है ना हमारे आसपास, हम उसके बारे में पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ना होता. और ट्रस्ट मी, मेट्रोलॉजी का अगर आप लेवल मेरे को पूछो कि मेट्रोलॉजी का लेवल कैसा होता है, सो उतना भी टफ नहीं होता मेट्रोलॉजी का लेवल. मतलब ठीक है, डिसेंट होता है, मॉडरेट लेवल होता है. उतना भी लाइक इतना भी टफ नहीं है कि आप निकाल ही नहीं पाओगे. आप आराम से अगर पढ़ोगे आईसी जोशी, सो आप आराम से निकाल दोगे. आईसी जोशी ना बहुत ही फेमस बुक है मेट्रोलॉजी के अंदर. अगर आप आईसी जोशी जानते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो मेट्रोलॉजी का. DGCA का एग्जाम तो आराम से आप निकाल सकते हो. सब्जेक्ट नंबर 2, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट. क्यों, वो मैं आपको भी बताता हूँ और आप भी सुन के बोलोगे कि लाइक ना रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने में बहुत मजा आएगा. लेकिन दूसरी बात भी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर कोई ऐसी बुक नहीं है आईसी जोसी जैसी कि जो पढ़ के आप पास कर लोगे. रूल्स एंड रेगुलेशन बोले तो सब कुछ लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन, नाम से ही पता चल जाता है कि रूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. कि दो एयरक्राफ्ट आमने सामने आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ऐसे बहुत सारे रूल्स है. पायलट कौन सी अथॉरिटी होती है पायलट के पास, उसके पास हथकड़ी होती है भाई, मेरे को भी नहीं पता था ये सब कुछ होता है. सो बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने के अंदर. लेकिन वो बहुत ही लाइक डीपेस्ट सब्जेक्ट मैं बोल सकता हूँ और मैं आपको दिखाता भी हूँ, क्योंकि आप ये जो नोटिस कर रहे हो ना ये सब मैं लगाता रहता हूँ. कभी पढ़ता नहीं हूँ बट लगाता बहुत ऐसा अच्छा लगता है और कूल भी लगता है. सो इसके अंदर ना पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने चिपकाया हुआ है. सो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो क्या है उसके अंदर. लेट्स गो. ओके, सो आप ना ये जो देख रहे हो ना ये पूरा ये रूल्स एंड रेगुलेशन है. इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर. लेकिन मैं वो चिपकाता हूँ जो मेरे को नहीं आता. और ये सबसे कूलेस्ट लाइक सबसे अच्छी ट्रिक है रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ने की. और मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से कि इसके अंदर क्या क्या है. थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का ध्यान दे देता हूँ कि इसके अंदर है क्या. ये पहला देख रहे हो वो है CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स और कितने घंटे फ्लाई करना होता है, कैसे फ्लाई करना होता है. ICAO है, नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग है, फ्लाइट लेवल्स आते हैं और कौन से ना रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है जहाँ पे आप लोग फ्लाई नहीं कर सकते, वो सब कुछ आते हैं. लाइक प्रोहिबिटेड एरियाज, राष्ट्रपति भवन हो गया, मालबार हिल हो गया, ये बहुत ही मजा आता है. ये फ्यूल का है कि लाइक जब आप हवा में होते हो और आप जो फ्यूल छोड़ते हो तो क्या क्या, कितना नॉटिकल माइल दूर कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, वो सब कुछ आता है. और बहुत कुछ आता है इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं. बहुत सारी लाइटिंग्स आती है कि ये लाइट दिखती है तो क्या करने का, ये लाइट दिखती है तो क्या करने का, और लाइक रनवे लाइट्स एंड बहुत कुछ आता है इसके अंदर. सो ये मेरे को ना सबसे अच्छा लगता है. नंबर 3, जनरल नेविगेशन. सो जनरल नेविगेशन सब्जेक्ट तो एक है लेकिन ये जितना नाम छोटा दिखता है ना उतना छोटा है नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. और क्यों है वो भी मैं बताता हूँ. क्योंकि जनरल नेविगेशन के 3 पार्ट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, रेडियो एंड जनरल नेविगेशन जो बेसिक है. सो इन जनरल नेविगेशन, नेविगेशन बोले तो एक जगह से प्लान लेके दूसरी जगह पे लैंड करने का है. उसके अंदर जो भी आता है लाइक पेलोड, उसका एक चैप्टर है. पेलोड बोले तो फ्यूल कैसे आप कितना फ्यूल आप भर सकते हो और वो सब कुछ आता है उसके अंदर. फिर होता है लाइक अर्थ मैग्नेटिज्म भी आता है.
सो अर्थ मैग्नेटिज्म उतना भी हार्ड नहीं आता जो हम लोग ट्वेल्थ में लाइक आई डोंट नो हम लोग पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ा नहीं कभी ट्वेल्थ, लेकिन अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि ट्वेल्थ में अर्थ मैग्नेटिज्म लाइक बेसिक से चीज़ें होती है, वेरिएशन डेविएशन वाला, ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ में कन्वर्जन, और CX3 आता है। CX3 ना एक पायलट का वो है, कैलकुलेटर बोले, पायलट का कैलकुलेटर बोल सकते हैं, जिसकी कीमत भी बहुत अच्छी है, 15,000 का कैलकुलेटर आता है। अगर वो नीचे होगा ना फ्रेंड के पास तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। सो जनरल नेविगेशन मेरा फेवरेट कभी नहीं रहा, इंस्ट्रूमेंट ना मेरा फेवरेट रहा है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हो, अल्टीमीटर, VSI, ASI एंड मैकमीटर, जो हमारे चार प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर जो डिस्प्ले आप लोग देखते हो एयरक्राफ्ट के अंदर, वो सारे डिस्प्ले के बारे में आप लोग अंदर डिटेल से पढ़ते हो, ये कलर का भी मीनिंग होता है उसके अंदर। सो उतना डिटेल से आप लोग पढ़ते हैं, जायरो, INS, IRS वो सब कुछ पढ़ते हो। उसके बाद आता है रेडियो, रेडियो मेरा उतना भी फेवरेट नहीं रहा। रेडियो के अंदर ना आप फ्रीक्वेंसी में पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रट्टा मारनी पड़ती है, लाइक 1.5, 1.7, 1.8, 0, 1.7, 2.0, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रट्टा मारनी पड़ती है, जो मेरे को पसंद ही नहीं है, क्योंकि किलो हर्ट्स में से गीगाहर्ट्स में कन्वर्ट करो, गीगाहर्ट्स से मेगाहर्ट्स में कन्वर्ट करो, जो मेरा बस का नहीं है। लेकिन अच्छा है, नेविगेशन भी बहुत ही अच्छा एग्जाम है, लास्ट टाइम मैंने दिया था मेरे 65 आए, सो मेरे नेविगेशन के एग्जाम फेल हो गया फर्स्ट टाइम। सो बहुत दुख होता है यार जब 65 आते हैं, मतलब कि सिर्फ 5 मार्क्स से फेल हो गया, लेकिन दिक्कत नहीं है, 42 डेज का कूलिंग पीरियड लगता है। अब ये कूलिंग पीरियड पूरा एक नया वीडियो है, उसको मैं आप बाद में बताऊंगा, लेकिन होता है, मतलब 42 डेज के लिए आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो नेविगेशन के फिर से। सो ये तीन सब्जेक्ट ना बेसिक सब्जेक्ट है, अगर आप ये तीन क्लियर कर लेते हो तो आप फॉरेन में जाके फ्लाइंग कर सकते हो। उसके बाद आता है टेक्निकल जनरल और टेक्निकल स्पेसिफिक। सो सबसे पहले हम लोग ना टेक्निकल स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं, बिकॉज टेक्निकल स्पेसिफिक बोले तो सबसे छोटा सब्जेक्ट, सबसे ईजी सब्जेक्ट और सबसे प्यारा सब्जेक्ट, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। DGCA का लाइक मेरे को जो सबसे प्यारा लगता है वो है टेक्निकल स्पेसिफिक, और क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है अपना टेक्निकल स्पेसिफिक, ये एक पेज है, इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसका पता नहीं इसके अंदर मेरे पास पेज पड़े हैं कि नहीं पड़े टेक्निकल जनरल के, बट ट्रस्ट में टेक्निकल जनरल के अंदर ना सिर्फ 200 क्वेश्चन आते हैं, और 200 क्वेश्चन अगर आपने रट्टा मार लिए, मतलब कि आप टेक्निकल स्पेसिफिक पास हो गए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। टेक्निकल स्पेसिफिक बोले तो कोई भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर आप लोग पढ़ते हो, लाइक मैंने अभी एग्जाम दिया था टेक्निकल स्पेसिफिक का, टेक्नेम P2006 टेंगो के ऊपर, बहुत ही प्यारा सा एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर मैंने एग्जाम दिया था। सो आई गॉट 84 मार्क्स, और उसकी पढ़ाई ना मैंने सिर्फ 2 दिन में ख़त्म की थी, 2 दिन भी नहीं बोल सकता मैं, एक दिन में, एक रात में ही ख़त्म की थी उसकी पढ़ाई। सो बहुत ही इजी होता है टेक्निकल स्पेसिफिक का एग्ज़ाम, बहुत इजी। और अब हम बात करते हैं टेक्निकल जनरल की, आराम से बैठ के बात करते हैं यार। फर्स्ट सब्जेक्ट और वो है टेक्निकल जनरल, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पास भी नहीं हुआ टेक्निकल जनरल, और पास मतलब एग्जाम ही नहीं दी मैंने, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ टेक्निकल जनरल की। सो मेरे को उतना भी नहीं पता, लेकिन ऊपर ऊपर का पता है मेरे को कि टेक्निकल जनरल के अंदर आपके जो काम आएगा उतना तो पता ही है, सिस्टम और इंजन और एरोडायनेमिक, वो तीन पार्ट होते हैं, जैसे जनरल नेविगेशन के तीन पार्ट थे सेम टू सेम। सिस्टम के अंदर हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, लाइक ये पंप हो गया, हाइड्रोलिक पंप, और बहुत बहुत कुछ होता है। इंजन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जेट इंजन और ऐसे इंजन के बारे में पढ़ते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और एरोडायनेमिक उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होगा तो मैं बताऊंगा क्या पढ़ता है उसके अंदर, लेकिन वो भी ठीक ठाक है। टेक्निकल जनरल लाइक उसका लेवल ना हम जनरल नेविगेशन से मैच कर सकते हैं, वो दोनों बहुत ही बड़े सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है, उनको अगर डिटेल्स में पढ़ोगे तो एयरलाइन एग्जाम होते हैं वो निकालने में बहुत ही आसानी होती है। सो ये 5 सब्जेक्ट हो गए जो अभी DGCA के क्लियर करने पड़ते हैं पायलट बनने के लिए, कमर्शियल पायलट बनने के लिए। और एक सब्जेक्ट जिसका सबको डर होता है, उसका नाम है RTR, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। वो चीज़ क्या है और उसके अंदर होता क्या है, वो RTR के एग्जाम्स के अंदर ना Part 1 एंड Part 2 होता है। Part 1 के अंदर एक जगह से आप टेक ऑफ करते हो और लैंड करते हो, उसके बीच में आप कम्युनिकेट करते हो जो ATC के साथ, उसका पूरा लाइक कुछ लिखना होता है, बोलना होता है, आई डोंट नो वो होता है। और पार्ट नंबर टू के अंदर आपका इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर आपको रेडियो और रेगुलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मेरे को सुनने में आए। और RTR सबसे हार्ड एग्जाम है ऐसा बोलते हैं, अब हार्ड तो कुछ नहीं होता, अगर आप पढ़ाई करके गए तो ईजी है, नहीं तो हार्ड है, लेकिन कंपेरेटिव टू 5 सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और मेरे को लगता भी है कि वो सब्जेक्ट होगा शायद डिफिकल्ट, क्योंकि 3-3 अटैम्प्ट, 4-4 अटैम्प्ट लग जाते हैं RTR को निकालने के लिए। सो RTR का कुछ इतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट इतना जितना भी मेरे को आइडिया था मैं इतना आपको बता दिया। और जब 12th में होते हैं ना बच्चे, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आगे जाके पढ़ना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने 12th निकालो बेटे, ये सब DGCA के चक्कर में अभी से मत पढ़ो, पहले अपने 12th निकालो, क्लास 2 मेडिकल करो,
उसके बाद आप लोग DGCU के चक्कर में पड़ना, और चक्कर में पड़ने से पहले ना मेरे इंस्टा आई डी पे ना एक बार मैसेज कर देना, क्योंकि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें वो पूछ लेना अगर आप, क्योंकि मैं बहुत इंस्टीट्यूट देख चुका हूँ और फ्लाइंग स्कूल भी अभी देख रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ आ रही है अच्छी वाली। मैं जल्दी फ्लाइंग स्कूल को ही ज्वाइन करूँगा, अभी डिसाइडेड नहीं है कि कौन से फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करूँगा, लेकिन वो दिखता है। और क्लास वन मेडिकल का भी वीडियो आ रहा है, लाइक क्लास वन मेडिकल है मेरा 19 अप्रैल को, सो उसका भी वीडियो मैं जल्दी बना पाऊँगा। और देखते हैं कि आगे का प्लान क्या बनता है, अभी तो यही प्लान है, अभी टेक्निकल जनरल पढ़ रहा हूँ और जनरल नेविगेशन की तैयारी कर रहा हूँ, सो वही चल रहा है अभी लाइफ में। बहुत टाइम हो गया था कोई भी मैंने ना वीडियो नहीं डाला था यूट्यूब पे, सो सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ और वो डाल देता हूँ। मतलब बेसिक सा वीडियो है लेकिन बहुत लोगों के काम भी हो सकता है, काम का वीडियो है। सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।